अब जियोमॉर्फोलॉजी जो है उसकी तीन सबसे इंपॉर्टेंट थियोरीज हैं, कॉन्टिनेंटल थियोरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियोरी या प्लेट टेक्टोनिक थियोरी। अब ये जो तीनों थियोरी है उसे हम एक सस्पेंस मूवी की तरह लेना है, क्योंकि ये सभी जो थियोरीज है वो एक एक करके थोड़े थोड़े जो सीक्रेट्स है वो रिवील करेंगी, ताकि आपको थोड़ा पेशेंस रहना पड़ेगा जब तक प्लेट टेक्टोनिक थियोरी कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि जब तक प्लेट टेक्टोनिक थियोरी कंप्लीट नहीं होगी काफी सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो अनआंसर्ड रहेंगे, राइट। जब प्लेट टेक्टोनिक थियोरी कंप्लीट होगी तभी सारे जो जियोमॉर्फोलॉजी सीक्रेट्स हैं वो सारे रिवील हो जाएंगे, ठीक है। सो बी पेशेंट वेल बी ऑल गो थ्रू दिस थ्री थियोरीज। फर्स्ट इज हमारे स्टोरी का पहला कैरेक्टर द अल्फ्रेड वेगनर। ये जो ज्योग्राफर था एक्चुअली ही वॉज अ मेटेरियलिस्ट, उसने सबसे पहले वर्ल्ड में ये प्रोपाउंड किया कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो ड्रिफ्ट हुए थे। आज जिस पोजीशन में जो कॉन्टिनेंट्स है वो हमेशा से नहीं थे, पहले वो सारे कॉन्टिनेंट्स किसी एक लैंडमास पेंजिया का पार्ट थे, वो सबसे पहले इस अल्फ्रेड वेगनर ने कहा। उसको ये सारे उसके ऑब्जर्वेशन को प्रूफ करने के लिए उसने थियरी बनाई जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी कहते हैं, और उसको प्रूफ करने के लिए चार ऑब्जर्वेशन है, चार मेन ऑब्जर्वेशन। वैसे तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है बट हम चार मेन ऑब्जर्वेशन पे फोकस करेंगे। उसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था कि सारे कॉन्टिनेंट्स की अगर हम कोस्ट लाइन को देखें, अगर उन सबको हम मर्ज करने के अगर हम ट्राई करें तो हम देखेंगे कि सारे जो कोस्ट लाइन है इस तरह जिग्स ऑफ फिट की तरह मैच हो जाती है एग्जैक्टली। मतलब उसने कहा कि शायद ये जो पूरे लैंडमार्क्स हैं जिसकी कोस्ट लाइन मैच हो रही है वो शायद पहले किसी एक लैंडमार्क का पार्ट रहा होगा। लेकिन यह भी है कि ज्योग्राफर्स ने अपोज किया कि यह तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। सो ही कम अप विद द सेकंड ऑब्जर्वेशन। उसने क्या किया कि दुनिया में अलग अलग जगहों की अलग अलग रॉक कंपोजिशन है, रॉक को लिया, सैंपल्स को लिया और उनकी स्टडी की, उनकी एज और कंपोजिशन की स्टडी की, और इस एरिया में पर्टिकुलर उसने ये पाया गया कि यहाँ पे जो है अप्लाचन माउंटेन्स है यहाँ पे यूएसए में, यहाँ पे कनाडा में न्यूफाउंडलैंड है, ये ग्रीनलैंड, यूके में स्कॉटिश हाइलैंड और नॉर्वे में जो है जोलन माउंटेन्स है, उन सभी के रॉक्स अगर उसने स्टडी किए तो उसने बताया कि इन सभी रॉक्स की एज, उनकी कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। उसका मतलब इसने ये प्रूव किया कि ये जो सारे रॉक्स हैं, ये जो पूरा लैंडमार्क है पहले जो है वो एक ही लैंड का पार्ट रहा होगा, राइट। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग जगहों के उसने कंपोजिशन को सिमिलरिटी करके दिखाया, हम एक पोर्शन याद कर सकते हैं इस तरह से। थर्ड उसका था फॉसिल एविडेंस। उसने ये बताया कि सपोज, उसे बताया कि ये जो चार लैंड्स, ये पांच लैंड्स है वो पहले किसी एक ही लैंड का पार्ट रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर सपोज किसी, ये एक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका फॉसिल जो है वो सिर्फ इसी एरिया में मिलता है, वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलता है, राइट। और इस तरह से ये जो फॉसिल कोई ऑर्गेनिज्म है उसका जो है वो एविडेंस सिर्फ यहाँ पे अफ्रीका, इंडिया और एंटार्क्टिका मिलता है, और इसी तरह से कोई एक ऑर्गेनिज्म है इसका एविडेंस सिर्फ इसी एरिया में मिलता है। अगर उसने कहा कि कॉन्टिनेंट्स अगर आज जिस जगह पे है उसी जगह पे वो पहले भी होते, तो ये भी तो पॉसिबल नहीं कि इतने छोटे ऑर्गेनिज्म जो है वो साउथ अफ्रीका में से पूरा एंटार्क्टिक ओशन जो है वो पार करके तैर के अफ्रीका जाएंगे, फिर अफ्रीका पूरा तैर करके इंडिया जाएंगे, ओशन तैर करके इंडिया जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि दे आर वेरी स्मॉल इंसेक्ट, वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। दूसरी उसने चीज में ये भी तो नहीं हो सकता कि सारे लैंड पे एक ही साथ उस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ, राइट। तो उसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो इस तरह से अगर दो मल्टीपल लैंड्स में से मिल रहा है उसके एविडेंस, इसका मतलब ये है कि जो सारे लैंड मासेस है वो किसी एक ही लैंड मास का पार्ट रहे होंगे। दिस इज फोर्थ थर्ड ऑब्जर्वेशन। दिस इज द फोर्थ ऑब्जर्वेशन। इसे पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस कहते हैं। पैलियोक्लाइमेटिक यानी पैलियो जो हमने देखा उस एरा का जो है पुराना हम समझ सकते हैं, हम पूरे मिलियंस याद रखने की जरूरत नहीं, पैलियो यानी कुछ पुराना है, सब समथिंग इंस्टेंट। तो उसने ये बताया कि ये जो एरिया है साउथर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका का सदर्न एरिया, अफ्रीका का सदर्न एरिया, इंडिया, एंटार्क्टिका, इवन ऑस्ट्रेलिया का सदर्न एरिया, इन सारे एरियाज में से ग्लेशियल एविडेंसेस मिले हैं। अब ग्लेशियल एविडेंस मिलना यानी कोई भी ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स होता है तब वो जो ग्लेशियर्स होता है वो उस लैंडफॉर्म पे इरोड करके कुछ अलग तरह के लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है। रिवर जब किसी जगह से पास होती है तब उसका लैंडफॉर्म्स उस एरिया का अलग होता है, उसके रिवर एंड लैंडफॉर्म्स कहते हैं। विंड जो है वो भी अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है,
वेव एक्शन अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है। तो ये जो पूरा एरिया है वहां पे ग्लेशियल एविडेंसेस मिला है, प्लस जो ग्लेशियर होता है जब भी वो लैंड को इरोड करता है तब उसके जो ग्लेशियल टील होता है, उसका जो टेल होता है वहां पे वो है, वो सेडिमेंट्स को जो है एक्यूमुलेट करता है। तो इस हिसाब से उस सेडिमेंट्स को अगर हम स्टडी करें तब हम पता चलता है कि वो किस तरह से इरोड हुआ है। तो उसने बताया कि ये जो पूरा रीजन है वहां पे ग्लेशियल एविडेंसेस मिले हैं। अब ये सारे कंट्री अफ्रीका, इंडिया, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे आज ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं। तो फिर वहां पे ग्लेशियल एविडेंसेस कैसे मिले, वो भी सिर्फ इस इतने रीजन में? अगर आइस एज भी होता तो पूरे रीजन में ग्लेशियल एविडेंसेस मिलने चाहिए, ना कि सिर्फ इतने रीजन में। इसका मतलब यह है कि ये जो पूरा लैंडमास था वो एक टाइम पे सदर्न पोल के पास में था और पूरे जो लैंडमासेस थे किसी एक लैंडमास का पार्ट रहे होंगे। तो ये उसके चार एविडेंसेस थे। उसकी थियरी ये ही थी कि पहले किसी एक लैंडमास रहा होगा अर्थ पे, जिसे पेंजिया उसे नाम दिया। वो रोडिनिया तक सोच नहीं पाया था, सिर्फ उसने पेंजिया तक ही बात की है। और एक सुपर ओशन था पैंथालोजा। उसने ये बताया कि कॉन्टिनेंट जो है वो सियाल रॉक से बने। उसने एडवर्ड स्विस की बात को ही कंटिन्यू किया था। और ओशंस जो है वो सीमा रॉक से बने। और मिड मेसोजोइक एरा यानी कि अराउंड 300 मिलियन ईयर्स अगो ये जो है पूरा पेंजिया वो ब्रोक हो चुका। ये जो है वेगनर की जो है उसकी थियोरी है, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थियोरी। अब इसके लिमिटेशंस देखते हैं। उसने ये तो बता दिया कि कॉन्टिनेंट जो थे पहले मूव किए होंगे, मतलब पहले किसी एक लैंडमास का पार्ट थे, फिर ब्रोकन अपार्ट होके ड्रिफ्ट होके आज इस पोजिशन में पहुंचे हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव थियोरी है, उसने ये नहीं बताया कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, उसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स या मैकेनिज्म क्यों है, क्या है कि उसकी वजह से ये जो है इतने बड़े लैंडमासेस मूव हुए हैं। अब ये जो है वो रीजन उसने थियोरी में नहीं है। जब बाद में इसकी थियोरी में अपोजिशन हुआ, काफी ज्योग्राफर्स उसके थियोरी पे क्वेश्चंस उठाए, तब उसने बाद में ये कुछ थियोरी उसने पॉस्टुलेट की या कुछ ऐसा उसने रीजन बताया कि जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून है उसकी वजह से जो है वो कॉन्टिनेंट्स इस तरह से ड्रिफ्ट अपार्ट हुए हैं। अब ये जो उसका रीजन था वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून जो है वो इतना भी स्ट्रांग नहीं कि इतने बड़े लैंडमासेस को वो मूव कर पाए, राइट? हमारे समुद्र में अगर हाई टाइड या लो टाइड आ रहा है वो पॉसिबल, लेकिन इतने बड़े लैंडमासेस को इतने लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव करना, वो जो है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून की बात नहीं है। एक और ज्योग्राफर था जाफरी करके, उन्होंने ये बताया कि अगर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून इतना ही स्ट्रांग होता तो अर्थ जो है रोटेट करना ही बंद कर देती। मतलब अर्थ पे जो लग रहा है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून इतने स्ट्रांग नहीं है। और वेगनर उसका कोई रीजन भी नहीं दे पाया, ये उसकी थियरी की लिमिटेशन है। तो मतलब उसने पहले जो बताया कि ड्राइविंग फोर्स वो नहीं बता पाया, उसके बीच बात का जो रीजन था वो भी उसका सही नहीं था, उसका आइडिया जो था सियाल एंड सीमा जो हम पता है रिजेक्ट हो चुका है वो भी उसका सही नहीं था। तो ये उसकी लिमिटेशंस ऑफ थियरी है। अब मैं बताऊं कि सियाल और सीमा क्यों गलत है और आज क्यों उसको रिजेक्ट किया गया है। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड के डायग्राम को देखिए, ये जो है उसने बताया वेगनर की कि ये कॉन्टिनेंटल मास इस तरह से होगा और उसके नीचे है पूरा इस तरह से ओशनिक मास, यानी ये जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यह है ओशनिक क्रस्ट। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है उसके बीच में अगर जगह है, मतलब वो ब्रोकन पार्ट्स हैं कॉन्टिनेंट्स के, उसके बीच में अगर कोई गैप है वहां पे ओशन बन जाता है। उसका ये मानना था कि जो सियाल है वो सीमा पे फ्लोट करती है, उस पर मूव करती है। फिर किसी ने पूछा कि हमारे अर्थ पे अर्थक्वेक क्यों आता है, तो उसने बताया कि अगर सीमा, सियाल जो रॉक है कॉन्टिनेंटल रॉक्स, अगर सीमा पे फ्लोट कर रहा है, पास हो रहा है, अगर वहां पे फ्रिक्शन आ गया तो अर्थक्वेक होता है। फिर वोल्केनिज्म क्यों होता है, उसने बताया कि अगर यहाँ पे वो फ्लोट कर रहा है, अगर यहाँ पे किसी क्रैक हो गई तो अंदर से मोल्टन लावा जो है वो बाहर आएगा और इसकी वजह से जो है वोल्केनिज्म आएगा। फिर जो हमारे यहाँ अर्थ पे माउंटेन्स बने वो कैसे बने, तो उसने ये बताया कि जब ये सियाल मास जो है वो सीमा पे फ्लोट कर रहा है तब यहाँ पे स्क्रैच कर करके कुछ जो है वो सीमा के सेडिमेंट्स इकट्ठा करेगा, फिर वो इतना ज्यादा एक एलिमेंट जो सेडिमेंट से इकट्ठा कर लेगा, कोई एक दिन माउंटेन्स जैसा दिखेगा। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो सिर्फ कॉन्टिनेंटल के कोस्ट पे ही माउंटेन्स हमें नजर आते, लेकिन जैसे हम देखते हैं आल्प्स हैं, हिमालयाज हैं, वो कॉन्टिनेंट्स के बीच में है, इतने कोस्ट पे नहीं है। तो फिर ये इस तरह से उसे बताया कि माउंटेन रेंजेस बनते हैं
तो फिर वो माउंटेन रेंजेस कैसे बनते हैं, उसकी थियरी है जो आज रिजेक्ट हो चुकी है। और जो सच है वो ये है, यहाँ पे हमारी जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये जो पतले आप देख रहे हैं दिस इज दी ओशनिक क्रस्ट, उसके नीचे जो ये लेयर है जो ब्रिटल एंड सॉलिड है जिसे हम लिथोस्फियर कहते हैं, लिथोस्फियर जो है वो ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और नीचे का अपर मेंटल का लिथोस्फियर, उन तीनों लेयर्स में से को कंबाइनली हम लिथोस्फियर कहते हैं, राइट। तो लिथोस्फियर यानी नीचे का लिथोस्फियर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट, और पूरा जो लिथोस्फियर है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसे हम प्लेट्स कहते हैं। और ये पूरा जो लिथोस्फियर है वो नीचे सेमी मोल्टन या सेमी प्लास्टिक जो लेयर है हमारा एस्थेनोस्फियर उस पे फ्लोट होता है, ना कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट पे फ्लोट होती है, राइट। पूरा लिथोस्फियर जो कॉन्टिनेंटल, ओशन और लिथोस्फियर तीनों चीजों से बना हुआ जो हमारा लिथोस्फियर है वो एस्थेनोस्फियर पे फ्लोट होता है। तो ये जो है वो एक लिमिटेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है। मेंस 2013 क्वेश्चन, लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थियरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंसेस इन इट्स सपोर्ट। इससे 5 मार्कर्स है, उसकी वर्ड लिमिट 50-70 वर्ड्स होगी। मैं चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन आप अपने रूम पे, अपने घर पे जाके सॉल्व कीजिए। अगर आप पहली बार आंसर लिख रहे हो तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी कि आप इस आंसर को 50-70 वर्ड्स में आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, यू विल क्रॉस द वर्ड लिमिट, राइट। तो ये एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमें डेवलप करनी है। देखिए मेंस जब आप अटेम्प्ट करते हैं, अगर मेंस के 4 GS पेपर्स, GS 1, 2, 3 एंड 4, चारों पेपर्स में से अगर, सभी पेपर्स में से अगर आपके दो दो क्वेश्चंस छूट रहे हैं, ठीक है, तो आपके मेंस क्लियर होने के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। यू हैव टू कंप्लीट द मेंस पेपर, और उसके लिए जरूरत होती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। GS 1, 2, 3, 4 चारों जो क्वेश्चंस पेपर्स हैं उनके ईच क्वेश्चन पेपर के एटलीस्ट 50-20 क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने होते हैं, राइट, बिफोर द मेंस। और उससे क्या होता है कि आपकी स्पीड बढ़ती है, आपको ये आइडिया आता है कि इतने वर्ड लिमिट है मुझे कितना लिखना है, प्लस आपका जो हाथ है वो हैबिचुअल हो जाता है इतनी स्पीड में लिखने के लिए, इतना ज्यादा 3 घंटे में लिखने के लिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी, और अभी आपके पास टाइम है, आप जो है उस प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज इट इज वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अभी आपको लगेगा कि मेरे पास कंटेंट है, इन्फॉर्मेशन है, मैं लिख लूंगी एग्जाम में, इट इज नॉट गोना हैपन। ये फिर दूसरे अटेम्प्ट में आपको ये मिस्टेक समझ में आएगी। सो अभी से जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। जो जो भी टॉपिक क्लास में पढ़ाए जाते हैं, देखिए मेंस में कोई ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, अटेम्प्ट कीजिए, राइट, उसको टाइम लिमिट और वर्ड लिमिट में कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए। मैं कुछ बता दूंगी कि इसमें आप क्या लिखेंगे। पहले तो थियरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट लिखेंगे कि वैगनर ने क्या बताया, पेंजिया बताया उसने कि पहले एक पेंजिया सुपर मास लैंडमास था, पेंथलाजा था, मिड मेसोजोइक में जो था वो इस तरह से ड्रिफ्ट अपार्ट हुआ, राइट। फिर उसने बताया कि उसके 4 एविडेंसेस जो हमने देखे, राइट। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है, डायग्राम्स नहीं बनाओगे, इट इज ओके, बट एटलीस्ट फॉर द प्रैक्टिस ट्राई टू प्रैक्टिस ऑल दिस, ऑल द 4 डायग्राम्स, ऑलराइट। प्रीलिम 2014 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन के लिए कौन सा फिनोमिना जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, एक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या दूसरा ग्लेशियल साइकिल्स। ग्लेशियल साइकिल्स यानी आइस एज आना, फिर वार्म पीरियड आना, आइस एज आना, फिर वार्म पीरियड आना, दिस इज द साइकिल ऑफ द अर्थ। अब द आंसर इज बोथ। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी कैसे इवोल्यूशन को जो है अफेक्ट करती है, पहले मैंने एक डायग्राम बताया, इसमें था कि सारे जो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वो सारे सदर्न पोल के पास में थे, राइट। फिर जो है पूरे सारे कॉन्टिनेंट जो ऊपर गए, इस तरह से जो पहले जो कॉन्टिनेंट्स थे वो नॉर्दर्न पोल के पास में थे, फिर सदर्न पोल के पास में गए, फिर जो है वो ट्रॉपिकल लैंड बने। तो जब भी लैंडमास इस तरह से अलग अलग एरिया में गए, तब उनके जो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जब उस लैंड पर होंगे, तब उसकी इवोल्यूशन में डिफरेंस आएंगे, क्योंकि पोलर रीजन के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर वो ट्रॉपिकल रीजन में जाएंगे तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और कोई दूसरे टाइप के जो एनिमल्स है वो डेवलप होंगे, उस तरह के प्लांट डेवलप होंगे, राइट। तो पूरे जब कॉन्टिनेंट्स अलग अलग जगह पे मूव कर रहे हैं, उनकी पोजीशन के हिसाब से वहां के लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी चेंज होना पड़ेगा,
जो ऑर्गेनिज्म वहां पे उस एनवायरमेंट नहीं टिक पाएंगे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और नए जो है वो इवॉल्व होंगे। इस तरह से पूरी इवोल्यूशन चेंज में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है उसने इफेक्ट किया हुआ है। इस तरह से ग्लेशियर साइकिल, हमें पता है कि पहले अर्थ में आइस एज चलता है, फिर वार्मिंग पीरियड आता है, फिर आइस एज आता है, अभी जो चल रहा है वो वार्मिंग पीरियड है। इसीलिए क्लाइमेट चेंज में कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी कहते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो मैनमेड नहीं है, सिर्फ नेचुरल है, बिकॉज अर्थ इज नेचुरली मूविंग टू वार्मिंग पीरियड, राइट। तो इस तरह से ग्लेशियर एज आता है, आइस एज आता है, उसमें अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे, फिर वार्मिंग पीरियड में अलग ऑर्गेनिज्म आएंगे। हमने आइस एज मूवीज देखी है, राइट, वहां पे दिखाए गए अलग तरह के वो जो एनिमल्स थे, प्लांट्स थे। तो इस तरह से ग्लेशियर और वार्मिंग एज में भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म हुए वो डेवलप हुए होंगे, उनकी इवोल्यूशन पे पूरा इफेक्ट हुआ होगा। तो इसीलिए ये दोनों ही फिनोमिना जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पूरे इवोल्यूशन पे उन्होंने इफेक्ट किया। नाउ आई थिंक आई विल गिव द ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, उस जो भी अनआंसर्ड क्वेश्चन है उसको आंसर कर पाइए। इसीलिए ये जो थियरी है उसे एक्सेप्टेड किया गया है। आर्थर होम्स ने जो थियरी बनाई उसे कन्वेक्शन करंट थियरी कहते हैं। आर्थर होम्स ने ये बताया कि अगर ये जो है वो कोई भी कॉन्टिनेंटल या ओशनिक क्रस्ट है तो लिथोस्फियर के नीचे मेंटल के अंदर कन्वेक्शन सेल्स बन रहे होंगे। ये कन्वेक्शन सेल और कुछ नहीं बट मोल्टन रॉक्स हैं जो सेल की तरह मूव करते हैं, राइट। और ये जो कन्वेक्शन सेल इस तरह से मेंटल में जो है वो बन रहा है बिकॉज ऑफ द रेसिडुअल एनर्जी ऑफ द अर्थ। तो क्या होगा कि इन कन्वेक्शन सेल की अगर कोई ऐसी पोजीशन है यहाँ पे उनके जो है राइजिंग लिम्स हैं वो अगर इकट्ठा हो रहे हैं और ये जो राइजिंग लिम्स हैं वो इस क्रस्ट पे इतना फोर्स करेंगे, इतना प्रेशर करेंगे कि ये जो क्रस्ट है वो ब्रेक हो जाएगी और फिर उसकी ये जो डाइवर्जिंग लिम्स है कन्वेक्शन सेल की वो जो है वो दो कॉन्टिनेंट्स को अब एक दूसरे से अलग कर देगी। इट विल ड्रिफ्टेड अपार्ट और फिर इस कन्वेक्शन सेल जहां पे कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे दो कन्वेक्शन सेल के अगर यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्स मिल रही है तो ये दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या दो ओशनिक क्रस्ट को नजदीक लाएगी। इट विल क्लोज अप और जो है वहां से जो भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है या ओशनिक क्रस्ट है वहां पे जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पे उसका कहने का मतलब ये था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या ओशनिक क्रस्ट जो है वो कन्वेक्शन सेल के अगर उसके नीचे कन्वेक्शन सेल के अगर डाइवर्जिंग लिम्स है या राइजिंग लिम्स है तो यहाँ पे जो है वो कॉन्टिनेंटल या कोई भी ओशनिक क्रस्ट का ब्रेकअप होगा। डाइवर्जिंग लिम्प पे जो है वो लिथोस्फीयर की जो प्लेट है वो दूर होगी और डिसेंडिंग लिम्स जो है कन्वेक्शन सेल के वहां पे दो प्लेट्स जो है वो नजदीक आएगी। तो उसका जो है ड्राइविंग मैकेनिज्म बिहाइंड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वो ये था कि मेंटल के नीचे उसके या मेंटल के अंदर कन्वेक्शन करंट होंगे। वो कन्वेक्शन करंट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स या मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीयर। तो ये जो था आर्थर होम्स ने कन्वेक्शन सेल थियरी है। हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी पढ़ ली, हमने उसके पीछे लिमिटेशंस जो थे वो पढ़े और हमने जाना कि आर्थर होम्स ने जो था वो ड्राइविंग मैकेनिज्म बताया कन्वेक्शन सेल। अब कन्वेक्शन सेल जो है वो उनके पोजीशंस क्या है, उनकी साइज क्या है, ये अभी तक जो है मैनकाइंड को पता नहीं चला है। अगर कोई कॉन्टिनेंट्स जो है वो मूव हो रहा है, अगर वो डाइवर्ज हो रहा है दो प्लेट्स तो वो वहां पे डाइवर्जिंग लिम्स ही क्यों है कन्वेक्शन सेल की और जहां पे कन्वेक्शन सेल की असेंडिंग लिम्ब है तो वो वहीं पर क्यों है, उन सेल की डिफरेंट साइजेस क्या होगी, ये कुछ भी जो है वो अभी तक ज्योग्राफी को पता नहीं चला है। सिर्फ इतना पता है कि अगर अर्थ के ऊपर कोई प्लेट्स इस तरह से मूव कर रही है तो ऐसा कन्वेक्शन सेल मैकेनिज्म होना चाहिए। ऑलराइट, ये हमने अब तक का जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में पता किया। अब हम सेकंड थियरी की तरफ मूव कर रहे हैं जो है सी फ्लोर।